नहीं जी, ये है जी शुएब, और शुएब की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि शुएब के पास आप जाएं और शुएब की वीडियोस बना के लाएं। तो शुएब आज क्या दिखाने लगे हो? भैया ये बकरे ही है मेरे पास, ये ठीक है वो मैं गिनने जा रहा। अच्छा अच्छा शुएब, एक सेकंड एक सेकंड, ये कौन सी नस्ल है? कामोरी? ये कामोरी नस्ल है। जबरदस्त। तो ये तुम खुद जाके ले रहे हो या मुझसे बड़ा भाई है वो लेकर आता है, वहाँ से भेज देता है। अच्छा, और मैं इधर से। अच्छा, बेसिकली इस तरह से सर्कल चल रहा है जी। अच्छा, ये एंड पे दिखाते हैं, बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह चीज है। और मक्खी जीना भी अपने पास ही है, ठीक हो गया। तो ये दोनों एंड पे दिखाते हैं। और पहले आज बकरियां भी लेकर आए, बच्चे नजर आ रहे थे यहाँ पे मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है जी शुएब की। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी शुएब की वीडियो करें। और ये भी आज मेरे भाई मुझे मिले हैं, बल्कि मेरे ही इलाके के हैं, इस्लामपुरा के। जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि, बल्कि भाई मुझे बता रहे थे कि माशाल्लाह मेरी भी गली में 19-20 जानवर आते होते थे जब हम कजन वगैरह इकट्ठे थे। तो उस वक़्त में मुझे पुरानी यादें याद दिला दी उन्होंने। गुजर हाउस से इंशाल्लाह ताला गुजर हाउस से स्टार्टिंग लूँगा। ईद के बाद, मतलब बकरे ईद के बाद, छोटी ये जो ईद आ रही है चलो फितर के बाद, तो इंशाल्लाह ताला भाई के बछड़े वगैरह ये बता रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह इनकी कुर्बानियाँ करवाता रहे, और जायज़ और बहुत ज़्यादा अच्छी खूबसूरत कुर्बानी। तो मेरे भाई मुझे ये बताएं कि कितने दिन पहले ले आएंगे और हमें कितने दिन पहले बुला रहे हैं? इंशाल्लाह एक महीना या 35 दिन, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला देखने के लिए इनकी वीडियो आप लोग सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला इनके घर पे जाके, इनके गली में, स्ट्रीट में जितने जानवर आते हैं, जो इनके कजन ब्रदर सारे लेकर आते हैं, वो दिखाएंगे। इवन के अगर ये यहाँ मिल गए मुझे ईद के दिनों में सौदा करते हुए, तो सौदा भी दिखाएंगे इनका। बता रहे हैं कि हम सौदा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से करते हैं। तो देखें फुल वीडियो, लाइक कमेंट शेयर। और पहले आज बकरियाँ भी लेकर आए, बच्चे नजर आ रहे थे यहाँ पे मुझे। इधर बच्चे भी हैं मेरे पास। जबरदस्त। तो ये कितने बच्चे हैं और कितनी बकरियों के बच्चे हैं? ये दो चार हैं, चार बच्चे हैं। दो बकरियों के चार बच्चे हैं। तो ये कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ या बकरे बच्चे? देसी मक्खी की नहीं है, ठीक है। और कोई जो है लुआब शाक नहीं, ठीक हो गया। तो आओ थोड़ी सी बकरियाँ भी दिखानी है। ये हल्की फुल्की सी हैं, लेकिन ये है कि अगर किसी को चाहिए हो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 15,000 सस्ती वाली हैं ये। तो ये कितने सुए में है ये वाली? ये दो तीन सुए दो तीन सुए सुबह बैठी है। और इसका रेट क्या होगा थोड़ा बता दो? फाइनल 15,000 का। फाइनल 15,000 बच्चा समेत? हाँ। कौन सा वाला बच्चा है? बच्चा ये क्या, दो है इसके नीचे? कौन सा वाला? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 15,000 का जोड़ा बच्चा हो रही है, ठीक हो गया। 15,000 का, यानी किसी ने सस्ता शौक करना हो तो वो इजीली जो है वो शेप के पास आकर यहाँ से लेके जा सकता है। 12 नंबर जो है 401 और 491 नंबर, 491 सॉरी 491 और 490 और 491, दोनों बाड़े जो हैं वो शुएब के हैं। यहाँ पर इसके पास हकीके वाले बकरे और हकीके और किस चीज़ के होते हैं ये? हकीके वाले और कुर्बानी वाले, कुर्बानी वाले, पास हमारे, ठीक है। तो शुएब ये वाला खोलो ज़रा दिखाओ। मक्खी जीने भी हैं जैसे कुर्बानी वाले, ये वाले हैं, लेकिन बाद में दिखाता हूँ। ये दोंगा बकरा है, ठीक हो गया। चाहे कुर्बानी पे लगा रहे, बच गया। चाहे हकीके के लिए, ये देखो, ठीक है। ये दोंगा हो चुका हुआ है, दोंगा है मुकम्मल पक्का दोंगा। शेख साहब ने पूछा, ठीक हो गया। बड़ा तगड़ा है यार, मतलब हल्का नहीं है, तगड़ा है, अच्छा है। ये देखो कुर्बानी वाली चीज ही है, हाँ सेम वही है। लेकिन यह है कि अगर कोई अभी हकीके पे करना चाहे खूबसूरत चीज़, तो यहाँ से लेके जा सकता है। तो इसका क्या रेट है? ये फाइनल 30,000 का। 30,000? हाँ। और शुएब अगर हकीके के लिए लेना हो तो क्या इसका मतलब उसे क्या कहते हैं कि तोल के भी देगा? बिल्कुल, खसी बकरा 550 रुपये फाइनल और अंडल 500 रुपये। अंडल 500 वाला वो 500 रुपये जो बगैर स्मेल के, ये चीज़ है, ठीक है। मुझे पता है वो लोगों को काफ़ी अब नॉलेज तो हो गई है। खसी जो होता है वो बेसिकली जो ब्रीड नहीं कर सकता, और जो अब स्मेल वाला होता है वो ब्रीड कर सकता है, तो इसलिए। अच्छा, इसी मार्केट में 700 रुपया रेट है वजन के हिसाब से, जिंदा तोड़ का खसी। अच्छा। बकरे का ये भी बता दें, लेकिन मैं 550 रुपये दूँगा।
ठीक है। और क्या तुम अगर लोगों ने यहीं पे लाहौर के अंदर करवाना होगा यानी कुर्बान करवाना होगा तो भी कराओगे? कोई मसला नहीं, मैं खुद प्रोफेशनल बताएंगे। अच्छा चलो जबरदस्त हो गया, तो और दिखाओ। अच्छा यार मुझे तो लग रहा है ये कुर्बानी के टाइप का है बकरा। हाँ बकरा कुर्बानी वाला ही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं शकीन जो पैसे को नहीं देखते, चीज को देखते हैं। मुझे खूबसूरत चीज करना चाहते हैं, लगे दिल को चीज, वो कहते हैं कोई नहीं 2-4 हज़ार ज्यादा भी होते। अच्छा ये बाकी यार खूबसूरत चीज है और रेट भी मुझे तो कोई इतना साफ, मैं यही देख रहा हूँ कि आप बाकी किसी बड़े पे जाओ आपको इतने साफ में नहीं मिलेंगे। उसे सारे लगे हैं, सारे के सारे साफ। यार क्या याद दिला दिया, याद है मैं ऐसे ही था, हैच था उसके ऊपर। भाई को दिया था मैंने 31,000 का बकरा पालने के लिए, कुर्बानी के लिए लेकर गया। अच्छा अच्छा शेख, ये कहाँ की नस्ल है? ये नवाब शाह की। नवाब शाह की, ये सारे नवाब शाह ही? बिल्कुल। अच्छा और वो वाला था कामोरी, वो कामोरी, कामोरी एंड पे दिखाते हैं आपको। यार एक वो याद है मैं जिस कोने पे तेरे पे दीवाना हो गया था, तूने मुझे दिया नहीं था जो अल्लाह की कसम, मेरे दिल पे अभी भी वो बकरा, मुझे बकरे नहीं पसंद, मुझे बकरे नहीं पसंद, लेकिन यार वो बकरा देख के मजा आ गया। इसका रेट बता दे, अपलग बच्चा था वो। हाँ इसका रेट बता दे, कोई एक तोल के भी दिखा दी कि कैसे तोलते हैं। ठीक है वो है, तोल है। हाँ बिल्कुल है, कोई एक बात आने वाला बकरा किसी का बदल का। हाँ ठीक है जो तू कहेगा मुझे नहीं मसला, बढ़ेगा बदल करेगा ना, बहुत हो सकता है चोट भी लग से, मुझे कोई मसला नहीं जो भी तू कहेगा। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह, तो ये बकरा जो है। हेलो बदल के हिसाब से दिखाऊं। अच्छा ये वाला क्या, ये कुर्बानी के लिए है या ये भी नवाब शाही है? ये भी नवाब शाह का है, ये सारे बकरे जो है नवाब शाह के। अच्छा नहीं मैंने कहा है एक नंबर चीज, ठीक है दो नंबर नहीं है। इसका क्या रेट है? ये फाइनल मिल जाएगा 24,000 का। उधर नहीं आया, ये कितने वजन में होगा? तकरीबन इसका वजन होगा 45 kg, इससे ऊपर ही होगा। अच्छा 45 kg वाले में गोश्त कितना निकला होगा? 50 kg में बता, तकरीबन 50% के लगभग निकलता है। यानी कि जैसे 30 kg है तो 15 kg निकला है तकरीबन। ठीक है किलो कम लगा ले या पूरा पूर लगा ले। ठीक है ठीक हो गया। अच्छा और दिखाओ कोई अच्छा खूबसूरत निकाल के ला। आपको इधर आओ मक्खी जिंदा दिखाते हैं। चलो आओ मक्खी जिंदा देखो। माशाल्लाह ये ब्रीडर, ब्रीडर है ये। ठीक हो गया। तो शेब ये क्या उम्र में है? ये भी चौका 4 दांत। 4 दांत है, नस्ल कशी, नस्ल के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए। और इसका दांत दिखा दे यार। ओके ठीक हो गया। और इसकी आईज भी वाइट है, कानों की मैं लेंथ भी आपको दिखा दूँ कि कानों की लेंथ भी अच्छी है, नॉट बैड एट ऑल। ये अभी 2-3 घंटे पहले गाड़ी से उतारा है, इसीलिए कमजोर है यार अभी, इसीलिए पेट नहीं भरा इसने, पेट नहीं भरा। और झालर जरा छोड़, झालर दिखा, झालर भी अच्छी है, नॉट बैड। क्या रेट है ये? 40,000। 40,000 और फाइनल क्या होगा? पागल है नहीं, रेट तो मैं आपको फाइनल ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई मोहब्बत वाला आदमी आएगा ठीक है, प्यार में प्यार मोहब्बत। ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा आप जैसा भी आ सकता है, जिसे खाली नहीं भेजा जा सकता। अच्छा और वो वाले मक्खी जी ने भी दिखा दिया जा। कोई बात नहीं, अगली दफा मैं मंगल को आऊंगा। सिर्फ एक मिनट दे दे मुझे, मैं आपसे अभी इजी हो गया तसल्ली से बातें कर दे। अच्छा शुएब ये क्या है दांतों में? ये गोंदा। इधर ले यार लाइट नजर नहीं आ रहा। ये दोंदा है? जी हाँ दोंदा। माशाल्लाह। चाय के लिए ले जाए, चाय कुर्बानी के लिए। ठीक है। मक्खी जिंदा। अच्छा ये अभी कुर्बानी तक चौगा हो जाएगा या नहीं होगा? शायद शायद हो जाए शायद ना हो, कोई पता नहीं है। तो इसका क्या रेट है? ये आपको मिलेगा फाइनल 28,000। 28,000 रुपए का फाइनल।
अगर किसी और से लेने जाए तो 45,000 रुपया मांग रहे हैं। हां हां मक्खी जी ना नाम ही पागल हो गए थे। हां हां मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी चलते हैं, चलें। और यार ये सफेद वाली खोल के ला जोड़ी। हां गई चल दूसरा भी ले आ। ये चीज देखो माशाल्लाह, इधर ये चीज दिखाएं जो कुर्बानी पे दिखाते हैं आप कवर। ओए माशाल्लाह जैसे सीमेंट होता है। आप ये चीज देखें कि मुझे हाथ पूरा ऐसे से उधर ही ले आ, जरा लाइट सही नहीं है यहाँ पे। माशाल्लाह तो शेब, ये क्या नस्ल है? ये भी मोरी नस्ल है। हाँ मोरी। हाँ नहीं ये नवाब शाह, नवाब शाह की। इसके कानों की लेंथ इतनी नहीं होती, जैसे राजनपुरी है। हाँ आँख से। हाँ वही एक आंख से देखें ये कैसा डब्बा लाल, और एक से ये अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह। बिल्कुल अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह। यार बारावा बक रहा है, क्या रेट है ये? फाइनल 32,000। फाइनल 32,000 का। इसमें 32 केजी से ऊपर गोश्त होगा, कम नहीं होगा। गोश्त होगा, कम नहीं होगा। ये क्या है यार? ये मुल्तानी बकरा नाचा है। इसके मूवी बनानी है जरा अपने उधर रोड पे। माशाल्लाह रोड पे मैं छोड़ूंगा ध्यान से, रोड पे छोड़ूंगा आपने मूवी बनानी है। माशाल्लाह ये नाची है। चल अब इसको क्या शोएब बाहर लेके जा, क्योंकि पहले इधर अजान हो रही थी वो क्लिप, फिर हमने वहाँ पे स्टॉप कर दिया। इसको बाहर लेके जाते हैं दोबारा वंस अगेन, और उसको वहाँ से लेकर आते हैं वापस। ये इससे ज्यादा भाग नहीं सकता, मुझे पता है। इसकी हाई स्पीड ये ही है, हाई स्पीड हॉर्स पावर इतनी है, एक्सेलरेशन यही है। अच्छा तो शेब, आप ही ड्राइवर। शेब इसका क्या, ये दांतों से क्या है? दांतों से छिका। ठीक है, और ये ब्रीडर है या कसी है? ब्रीडर भी है। अच्छा लेकिन वजन बहुत ज्यादा है इसका, तो बकरी नहीं सह पाएगी। बकरियों के लिए भी है, लेकिन अगर कोई गोश्त वाला आ जाता है वो भी नहीं जा सकता इसे। यार ऐसी ब्रीड को ना भेजा करो गोश्त पे भाई, ये तो शो क्लास ब्रीड्स हैं भाईजान। ये और ये दोनों शो क्लास ब्रीड्स हैं। वो बात पता भाई क्या है, हमें सिर्फ पैसे से, जो पैसे देगा वो ले जाएगा। हाँ ये बात भी है तुम्हारी, सही है। अभी हम मालक है, इसके साथ जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। जब कोई पैसे देगा जो कुछ मर्जी करे इसके साथ। यार जबरदस्त हो गया, चले मैं आ जाता हूँ। आप कह रहे चलो चलो चलो।
चल आ जा है, कहता नहीं चलना, खेलता है कि मारता है इसना मारना क्या, वैसे ही मस्तियां करता है, वही मैं कह रहा हूँ ना, खेलता है। चल शोएब अब कमोरी ले आ, ये निकला यार, शोएब ये गलत जगह लगा हुआ, तो नहीं निकलेगा, ये गलत जगह लगा हुआ शोएब, मैं तीसरी चौथी दफा बचाऊ। अच्छा तो शोएब ये कितने दांतों में है, इसका मुंह इधर करी शोएब, शोएब मुंह इधर करी और पीछे उधर ही जाए, हाँ ऐसे। अच्छा ये क्या है दांतों से, चार दांत दिखाई, चलो तो क्या रेट है इसका, इसको भी मैं यहाँ से दिखाऊँ, वे तो उससे भी भारी है, सीना दिखाई इधर के लिए, इधर ले आओ, ये सीना चेक करें जो कि देगा, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है, ले जा भाई ले जा भाई ले जा, ये चीज बच गया भाई, पूरा फ्लाई करके आया था मेरी तरफ, आए आए चल आ जा ले अंदर, इसका रेट क्या है, ये फाइनल 50,000 का दूंगा फाइनल, हाँ लेकिन मार्केट में इसका रेट है 90-95,000 का, काफी भी मांग लेते हैं, उससे ज्यादा भी मांग लेते हैं, होलसेल वाला काम है ये जी। आंडू है ये भी आप देख सकते हैं, और पानी पी रहा है शोएब को जी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं लेने के लिए, इसके पास हर तरह के जानवर आते रहते हैं माशाल्लाह, हर तरह के जानवर इसके पास, बड़े बड़े जानवर वो सेल हो गए सारे, उनकी वीडियोस हैं उनकी, पिक्चर दे देंगे मुझे, पिक्चर्स लगा देंगे जी एंड पे, आप लोग देखिएगा। तो शोएब ये क्या नस्ल है, ये भी नस्ल नवाबशाह की है। अच्छा दांत दिखा दो, दोनों है अभी, ये तीन भाई थे, दो इससे बसरी थे, अच्छा 40-40,000 के, छोटा दोनों से छोटा है, तो वो जोड़ी लेके गए, अलग-अलग गए, ये भी एक पूछा। अब ये फाइनल कितने का, ये तकरीबन मैं 35 का दूंगा, फाइनल क्या होगा 35,000 फाइनल है, हाँ ये दिखने में छोटा लेकिन वजन बहुत ज्यादा है, कमर पे हाथ नहीं आता, इधर देखिए, हाँ तो ये है जी शोएब के आज के बकरे, वो भी एक लेके आई शेरा। अच्छा जी दिमागी चेक करें जी, काम हो रही, शेरा भी बड़ा प्यारा है यार, मुझे जरा प्यारा लग रहा है शेरा, तो शेरा क्या है, धोंदा है खीरा, धोंदा है, और इसका क्या वजन होगा, ये भी 40 kg से ऊपर है, और इसका गोश्त 20-22 निकलेगा इंशाल्लाह, बड़ा ज्यादा निकलेगा, कम नहीं निकलेगा, नहीं यार शोएब भी कमजोर था भाई, ज्यादा निकलेगा कम नहीं निकलेगा, अच्छा तो ग्रोट है, तो क्या रेट क्या है, 23,000 फाइनल, ठीक हो गया, और कोई अब तोल के भी दिखा दे यार, कोई माड़ा मोटा सा ले यार, तोल के दिखाए, हाँ इसी बात इसके बदल कर, आ जाओ कहाँ पे करना, अंदर ही खुला लगा हुआ, कोई बंदा होगा जो साथ उठाएगा,
ठीक हो गया ये तराजू का तरीका देख ले तोलने का तरीका भी देख ले जी इसके अंदर डाला बकरा ओए मारा जा मजबूत हाथ लगे ये वाला बकरा मैंने आपसे बोला था ना कि ये 23 किलो 22-23 किलो इसका वजन है गोश्त आप कह रहे ये हल्का तूने 40 केजी बताया था ना 40 केजी से ऊपर अच्छा ठीक हो गया चले तो अब तोल का रेट जो है वो बता दे दोबारा एक दफा 550 रुपया खसी बकरे का और अंडर का 500 रुपये ठीक हो गया चले रेट है इसमें कमी पेशी नहीं है कमी पेशी नहीं है मतलब बहस वाली बात नहीं है बहस वाली बात नहीं किसी के साथ भी चाहे इधर ले ले चाहे अपने घर में मंगवा ले वहाँ पर भी सुलभ मिलेगा ठीक हो गया चलो इसको ध्यान से उतार ले बकरे को तो सबर ही नहीं है बकरा कहता है मुझे छोड़ दो बस चल ठीक है शोएब बहुत शुक्रिया ओके आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हाँ केके वाले बोलो केके वाले बकरे मौजूद हैं हाँ वो बोल दिया था मैंने बीच में और शोएब का नंबर और शोएब का कार्ड आपको नीचे चल जाएगा आप लोग ले सकते हैं इससे जब भी आपने लेना हो बारह नंबर भी बता दिया है ओके आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज़